अब मुझे राखी से इतना डर लगने लग गया है ना। एक टाइम पे हम दोस्त हुआ करते थे, इतनी अच्छी दोस्ती निभाई थी मैंने, मैं उसके लिए एक पिलर बन के खड़ी थी। आप सब लोगों ने देखा है, पूरी जनता ने देखा है, उसका जब एक बुरा टाइम चल रहा था उसका पिलर सिर्फ और सिर्फ ये राश्री मोरे थी। और आज उसी राश्री मोरे को ये वो कह रही है कि अगर तुम मेरे खिलाफ कोई बात करती हो, अगर तुम मेरी बात किसी से भी शेयर करती हो, जो उसकी पर्सनल चीज़ें हैं, हालांकि मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं किसी की पर्सनल चीज़ें बाहर लेके आऊँ, लेकिन होता है ना, जो चोर होता है उसे डर भी होता है। तो चोर इस तरीके से डर चुका है, इस वजह से उसने मुझे इस तरीके से धमकी दी है। आज इतना डर लग रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कुछ देर पहले अपने सिक्योरिटी को नीचे कॉल किया है, जो हमारे मैनेजर है हमारे सोसाइटी के, मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा इस बात का ध्यान रखना कि राखी सावंत हमारे गेट के अंदर कभी जिंदगी में ना आ जाए। और वही राखी सावंत को मैं हाथ पकड़ के अंदर लेके आती थी मेरे घर में। वो इस घर में वो 10-10 दिन रही है, उसका मैंने इतना ख्याल रखा है, मेरे साथ रखा है, मैंने उसका एक सिस्टर की तरह, एक मम्मी की तरह ख्याल रखा है, क्योंकि वो मैं सोचती थी वो अकेली है, वो अकेली है, उसके पीछे कोई नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद वो ये कर सकती है? राखी सावंत, आप सब लोग जानते हैं राखी सावंत कितनी बोल्ड है और वो क्या क्या कर सकती है। तो मुझे वो डर है कि राखी सावंत किसी भी तरीके से मुझे हार्म ना पहुंचाए, इस वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। एक चीज़ और, नेल आर्ट स्टूडियो जो लोखंडवाला मार्केट में है, मैं पिछले 12 साल से चला रही हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है, आप सबको भी पता होगा आज बिजनेस करना कोई मामूली चीज़ नहीं है। हमें डे वन से लेके आज 12 साल तक अगर मैं लोखंडवाला मार्केट में टिकी हूँ तो मैंने कितनी मेहनत की होगी। ना कि ये राखी सावंत ने जो बोला है कि मेरे मेरे नेल आर्ट स्टूडियो के अंदर प्रोस्टिट्यूशन होता है, तो राखी सावंत को मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, जब तुम रोज 8-8 घंटे मेरे स्टूडियो में आके बैठती थी तो तुम अंदर क्या करती थी राखी सावंत? सर्विस लेती थी या जो तुम बोल रही हो वो करने आती थी वहां पे? एक चीज और, किसी को धमकी देने से पहले आपको पूरी जानकारी रखनी चाहिए। राखी सावंत, जो मेरे स्टूडियो है ना वो नेल आर्ट स्टूडियो है, ठीक है, वहां पे कोई मसाज नहीं होती है। एक चीज जैसे, हाँ, डे वन से मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास मेरे सारे एग्रीमेंट्स हैं कि मेरा नेल आर्ट स्टूडियो सिर्फ और सिर्फ हम लेडीज के लिए चलाते हैं, ओनली फॉर लेडीज। हमारे यहाँ एक सेल्समैन भी होता है ना, वो भी अंदर अलाउड नहीं है, उसको भी बाहर से नॉक करना पड़ता है, वो बाहर खड़ा रहता है, फिर कोई अंदर से बाहर जाके उसको अटेंड करता है, कोई एक आदमी तक अंदर नहीं आ सकता है। तो राखी सावंत मैडम जी, आप किसी को धमकियां देने से पहले थोड़ा उसके ऊपर जानकारी तो रखें कि आप बोल क्या रही है, आपको क्या लगता है, आप बस ऐसे रातों रात धमकियां दे दोगी और सब कुछ खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जैसा आपका नेचर है, जैसा आपने हमेशा किया है, आपको पता है किसी के ऊपर किस तरीके से एलिगेशन लगाने हैं, किसके ऊपर धमकी देनी है, किसको बर्बाद करना है, किसका कैरेक्टर खराब करना है, आप बहुत अच्छे से जानती है। आज मैं राखी सावंत की, जब इतने सालों से मेरी और राखी की 8 साल से दोस्ती है, 8 साल से जब मैं राखी की दोस्त थी तब तो मैं बहुत अच्छी थी, तब तो मैं कोई ये प्रोस्टिट्यूशन वाले काम नहीं करती थी, और आज सडनली मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ क्योंकि राखी सावंत से मैं अलग हो चुकी हूँ लास्ट 3 मंथ से। आप जो चाहे बोलेंगे, आपने पहले क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया, क्यों नहीं उठाया, आज क्यों उठा रही हो? आपके पास प्रूफ क्या है राखी सावंत? मैं सबके सामने, पूरी जनता के सामने, पूरे मीडिया के सामने आपसे प्रूफ मांगती हूँ कि नेल आर्ट स्टूडियो में ऐसी कोई भी इनलीगल एक्टिविटीज होती है, आप प्लीज मुझे लाके प्रूफ दीजिए, वरना मैं भी आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगा सकती हूँ जैसे आप लगाती हो। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, ये सब ना मेरे क्लास में नहीं है, हम किसी के लिए गलत बोले, हालांकि हमें बहुत कुछ किसी के बारे में पता होने के बावजूद भी हमारे ऐसे संस्कार नहीं है, हमारे ऐसे क्लास नहीं है कि हम किसी के प्रति कुछ दो शब्द भी गलत बोले।
राजश्री, इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि लास्ट टाइम जब आप लोगों का दुबई में कुछ मैटर हुआ था तो राखी आपके साथ में, राखी ने सब कुछ सॉल्व कर लिया था और स्टारबक्स पे बुलाकर यू नो आप दोनों ने सारे मैटर को क्लोज करके एक दूसरे से सॉरी कहा था। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि यू नो फिर एक बार आपको यहाँ पर हाजिर होना पड़ा? मैं दुबई से आई थी 4 तारीख को जी, और ये 5 तारीख की बात है। 5 तारीख की मॉर्निंग में फाल्गुनी, जो हमारी कॉमन फ्रेंड है, जो एडवोकेट फाल्गुनी है, उन्होंने हमारी कॉन्फ्रेंस करवाई राखी की, मेरी, और फाल्गुनी चाहती थी कि जो भी झगड़े हुए हैं वो ख़त्म हो जाए। तो उस कॉन्फ्रेंस में मेरा और राखी का बहुत फाइट हो गया, बहुत 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 झगड़े हो गए। हालांकि राखी क्या गंद बोल रही थी मैं आपको बताना नहीं चाहती, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ठीक है। देन उसके बाद राखी का मुझे 10 मिनट के बाद कॉल आता है, राजश्री तू मुझे बैक रोड पे मिल 10 मिनट के लिए, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं जैसी थी मैं वैसी ही निकली थी। वो वीडियो आज भी अभी आप निकालो तो आपको पता चलेगा मैंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी, मेरे बाल भी ऐसे खुले थे, जैसे मैं यहाँ पे घर पे पड़ी हुई थी मैं वैसे ही निकल गई थी। मैं वहाँ पे जाके देखती हूँ तो इतनी सारी मीडिया है वहाँ पे, मतलब मेरे लिए तो शॉकिंग था सब कुछ। एंड वहाँ पे वाहिद जी भी थे, वहाँ पे फाल्गुनी नहीं, फाल्गुनी लेट आई थी, वन ऑफ माय फ्रेंड, वो भी वहाँ पे थे। तो वहाँ जाके मुझे पता चलता है ओ ये तो पैचअप है, और वो भी जो मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। अगर आप वो वीडियोस निकालो तो उसमें आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि मैं अपना मुंह भी नहीं खोल रही थी, मैं एकदम साइलेंट थी। मैं कह रही थी मुझे कुछ नहीं बोलना है, वो सब राखी का एक ड्रामा था लोगों को दिखाने के लिए, ताकि उसके लिए मैं कुछ ना बोलूँ, आप तक, जनता तक उसकी कोई चीज बाहर ना आए, इस वजह से उसने ये किया था। और क्या दुबई में क्या हुआ था उसके बारे में बताना चाहेंगे? मुझे लगता है दुबई ट्रिप मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट ट्रिप थी। मेरी जिंदगी से एक टॉक्सिक रिलेशन निकल गया, राखी सावंत। मैंने इतनी हिम्मत की अपने जिंदगी से एक टॉक्सिक रिलेशन निकालने के लिए, अगर दुबई ना जाती तो शायद मुझमें इतनी हिम्मत भी ना आती। राखी सावंत ने मुझे कहा था कि उसका दुबई में क्लब ओपन हो रहा है, वो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। उसने मुझे कहा था कि तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, आई सेड ओके। मैं तो इतनी खुश थी कि राखी की टिकट्स भी मैंने करवाई थी, हालांकि अगर उसका क्लब था तो उसको मेरी टिकट्स करनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ, मैंने राखी की टिकट्स करवाई। हम लोग यहाँ से दुबई जाते हैं, हमारा एक दिन बहुत अच्छा जाता है, हम 20 तारीख को यहाँ से जाते हैं, हमारा 21st ये हमारी बहुत अच्छे से जाती है। 22nd को हम यॉट में घूमते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा था। 23rd को ओपनिंग थी, वहाँ जाके मुझे पता चलता है कि ये क्लब राखी सावंत का नहीं है, उसको केवल और केवल ओपनिंग के लिए बुलाया था, वो एक रिबिन कट करने के लिए बुलाया था, दैट्स इट, वो क्लब उसका नहीं था। एंड अचानक शाम को कुछ करीबन 5:30 बजे होता, ऐसा होता है, राखी मुझे कहती है एक काम कर, जो ऑनर है, जो क्लब के, जो होटल के ऑनर है, उनके पास जाए और आप उनको बोलिए कि मुझे ड्रेस के पैसे चाहिए और मुझे मेकअप के पैसे चाहिए। मैंने कहा राखी ये मैं कैसे कर सकती हूँ, ये तो काम मेरा नहीं है। पहली बात राखी, आप लोगों ने क्या डील की है ये तो मैं जानती ही नहीं हूँ कि आपके डील में क्या क्या लेना होता है, देना होता है, आपका प्रोफेशन ही नहीं मुझे पता है। मैं तो एक काम करके, मेहनत करके कमा के खाने वाली लड़की हूँ, मुझे क्या पता है कैसे इनॉग्रेशन के लिए बुलाया जाता है, क्या डील्स होती है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, जीरो जीरो नॉलेज है मुझे सबकी। तो मुझे कहती नहीं तुझे तो जाना ही पड़ेगा और तुझे बताना पड़ेगा उनको कि मैं एक इंडिया की टॉप एक्ट्रेस हूँ और मुझे ड्रेस के पैसे चाहिए और मुझे मेकअप के पैसे चाहिए। मैंने कहा राखी सबसे पहले तो आप ये बात जानिए, मैं आपकी मैनेजर नहीं हूँ, मैं एज अ फ्रेंड आपकी खुशी में यहाँ पे खुश होने के लिए आई हूँ, ठीक है। तो आप अपना काम खुद करें, आपने खुद अपनी आपकी खुद की डील की है तो आप खुद जाके सब कुछ करिए। देन उसने फ्रंट ऑफ, मेरे ख्याल से वहाँ 10-15 लोग होंगे, उसने सबके सामने मुझे जलील करना स्टार्ट कर दिया कि तू हमेशा यही करती है, तेरा तो, तू आदिल के टाइम पे भी ऐसा ही करती थी, तू आदिल को कुछ नहीं बोलती थी, तू आज यहाँ पर भी आके यही कर रही है। मैंने कहा राखी ये सब कुछ बंद करो, अपनी चीपनेस बंद करो, ये जो तुम कर रही हो मेरे साथ, वो भी मुझे परदेस लेके आके, तो ये सब ना करे। उस दिन ही हमारा लास्ट डे था, हम लोग साथ में रुके थे, उसके बाद हम 24 को अलग अलग हो गए थे। मैंने होटल छोड़ दिया था, मैंने कौन सा होटल था, द लीला, वहाँ जाके हमने चेकिंग कर ली थी मैंने और फाल्गुनी ने,
और हम टोटली अलग हो गए थे, और वो दिन और आज का दिन राखी से मेरे कोई संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। ओके राखी, अगर मैं आपसे बोलूँ तो दोनों आपको एक माँ का दर्जा दिया था राखी ने, और कहा था कि यू नो मेरी माँ के बाद मैं इससे ही माँ समझती हूँ, और अगर उनके पर्सनल लाइफ में कुछ भी होगा तो उसका फैसला लेने का हक भी सिर्फ राखी को है और वही मुझे सजेशन देगी। तो मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी कि आदिल ने एक इल्ज़ाम लगाया है, वो है राखी जो है उनकी माँ की मौत के बाद बैठकर बिरयानी खा रही थी, उसका इल्ज़ाम, और वो उन्होंने कहा है कि वो आपके साथ बैठकर खा रही थी, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? जिस दिन राखी के मम्मी की डेथ हुई थी हम लोग साथ में ही थे, फिर हम लोग ऊपर हॉस्पिटल में जाके जो वो रखना होता है, फिर क्या पर्टिकुलर उसको क्या वर्ड यूज़ करते हैं जो बॉडी रखी जाती है फ्रिज में, यस वहाँ गए थे हम, फिर हमने वहाँ वो पूरा प्रोसीजर किया। वहाँ से हम सीधा घर आते हैं, आदिल वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, आदिल हमें मेरे घर के नीचे मिलते हैं, फिर हम सीधा ऊपर आते हैं, फिर भूख तो सभी को लगी हुई थी, फिर ये मयूर है मेरा भांजा है, मैंने इनको बोला था खाना ऑर्डर करने के लिए, तो इन्होंने बोला था वेज या नॉन वेज, तो आई सेड वेज ही खाएंगे, क्योंकि देखो हम कोई भी हो, ऐसे ज़रूरी नहीं होता है कि गरीब अमीर नॉर्मल ऑर्मल हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी के घर पे कुछ बुरी घटना घटती है ना तो इंसान के गले के नीचे तो दाल खिचड़ी भी नहीं उतरती है, राइट, ये सबको ही पता है। तो जब मैंने पूछा कि क्या मंगवाना है, देन उन्होंने बोला कि उन्होंने उनको नॉन वेज खाना है, तो हाँ हमारे घर पे उस दिन बिरयानी आई थी, चिकन चिल्ली आई थी एंड फ्राइड राइस आया था, और उस सब ने खाया था। तो मतलब राखी ने खाया था, राखी ने खाया, मैंने खाया, आदिल ने खाया, मयूर ने भी खाया, एक दोस्त मेरी और थी संगीता, उसने भी खाया जी, क्योंकि राखी कह रहे कि ये उस दिन का फुटेज नहीं है, ये पहले का फुटेज है, सेम साड़ी है लेकिन हाँ पहले का फुटेज है। वो साड़ी भी मेरी थी, वो जो उसने साड़ी पहनी है वो साड़ी मेरी थी, हमें नहीं पता था कि उस दिन उनकी मम्मी की डेथ होने वाली है। वो कुछ ग्लैमिंग ऐप होता है ना, वो जो क्या करते हैं लोग, हाँ ग्लैमिंग कुछ ऐप होती है, वो उसका शूट यहाँ पे खड़े होके चल रहा था, ठीक इस टीवी के पास चल रहा था। ये सब कुछ होने के बाद हम सीधा हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाने के बाद हमें पता चलता है उनकी मम्मी की डेथ हो गई, हमारे सामने ही बोली गई थी वो बात, ऐसे नहीं था कि वो डेथ पहले ही हुई थी, अभी वो हॉस्पिटल वालों को पता क्या है, बट लेकिन डिक्लेयर हमारे सामने की गई है कि भाई अभी अभी डेथ हो गई है, और वो साड़ी वो सब कुछ फुटेज उसी दिन का था, वापस उसी साड़ी में घर पे आए हुए हैं, वो साड़ी आज तक मुझे रिटर्न नहीं दी है ना दोबारा पहनी है। और ये बात भी सच थी कि मीडिया के लिए राखी वहाँ वेट कर रही थी कि मीडिया जब तक नहीं आई तो उतर के आ रही थी, वो अपनी माँ के मतलब डेथ नहीं दे, 3 बजे मम्मी की डेथ हुई थी और बिकॉज ऑफ मीडिया शी इज नॉट, वो नीचे नहीं होती, नहीं आ रही नहीं, अगर मुझे याद है मैंने सब मीडिया में आके नीचे बताया था कि राखी की मम्मी अब नहीं रहे है, बहुत दुखद घटना है कि राखी की मम्मी नहीं है, तो नहीं हम लोग फिर साथ में एंड में ही सब लोग नीचे उतरे थे, एंड में ही आए थे। ओके एक बड़ा इल्ज़ाम जो आप पर लगा है राजश्री वो ये है कि आदिल को जेल पहुंचाने के पीछे आपका हाथ है, और उनके रिश्ते को तोड़ने मतलब जो उनका रिलेशन आदिल और राखी का रिलेशन नहीं चला उसके पीछे भी आपका हाथ है इस बारे और में क्या जो सेकेंड रिलेशनशिप भी था इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो भी ऐसा दावा किया जा रहा है कि बीच में जो नाम आ रहा था लक्की का नाम आ रहा था हाँ। तो हम एक एक रिलेशन के हिसाब से चले हाँ। सबसे पहले तो आप मुझे वो क्रेडिट दीजिए जो आप मुझे दोबारा ये सवाल करिए जो आप कर रहे थे आदिल का क्या हुआ आदिल का और उनका रिलेशन दोनों में से एक बोलिए ना आदिल और आपका रिलेशन तोड़ाने के आदिल और राखी का रिलेशन तोड़ाने के पीछे आपका हाथ है मेरा हाथ है और जेल पहुँचाने के पीछे भी आपका हाथ वाओ आपको लगता है सबसे पहले आदिल मेरा पति था या राखी का पति था राखी का पति था ठीक है खुद का रिश्ता निभ नहीं रहा था रोज के झगड़े मैं तंग आ गई थी हालात तक मैंने आदिल को और राखी को बोल दिया था कि तुम दोनों के झगड़े से मैं तंग हो गई हूँ मैं तुम दोनों को छोड़ के चली जाऊंगी कभी मुझे तुम्हें समझाना पड़ता है कभी मुझे राखी को समझाना पड़ता है तो मैं आप सबको एक चीज कहना चाहूंगी लास्ट में एंड में राखी का और आदिल के जो जितने अच्छे रिश्ते चल रहे थे साथ में मिलते थे या वक्त गुजारते थे तो केवल और केवल मेरे वजह से चलता था वो
मैं आज भी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं अभी चालू कर सकती हूँ, मैं अभी चालू कर भी दूंगी, क्योंकि मुझ पर बहुत बड़ा एलिगेशन किया गया है कि इन दोनों का रिश्ता मैंने तुड़वाया है। अगर ऐसा था तो राखी ने मुझसे दोस्ती क्यों रखी थी? राखी कोई बच्ची थी? राखी छोटी बेबी थी कि राखी मेरे पास आती थी, मैं उसको दूध पिलाती थी, मैं उसको पट्टियाँ पढ़ाती थी, फिर जाके वो आदिल से लड़ती थी, फिर उससे झगड़े करती थी? एंड इतनी बड़ी बात कि आदिल को जेल में डालने का हाथ मेरा है? मैं वहाँ पे अवेलेबल थी जब ओशिवरा पुलिस स्टेशन में उसका केस दर्ज नहीं हो रहा था, उसके ऊपर FIR नहीं हो रही थी। आदिल के ऊपर सीनियर ने मना कर दिया था कि नहीं, हम FIR नहीं लेंगे, हम 377 नहीं लेंगे। मैं गलत हो सकती हूँ धाराएं बोलने में, मुझे धाराएं नहीं पता चलती है क्या है क्या नहीं। जब सीनियर नहीं ले रहे थे धाराएं, तो ये यहाँ वहाँ पे पागल हो गई थी, नाचने लग गई थी, रोने लग गई थी, इतना बड़ा एक्टिंग स्टार्ट कर दिया, ड्रामा जैसे कि उसको हमेशा आता है। एंड देन वो एडवोकेट के ऊपर चिल्लाने लगी थी कि तू खड़ी होके कर क्या रही है यहाँ पे, तू कर तू कर तू कर, उसने इतना हैरेस किया था सबको। और मैं आदिल को डालूंगी जेल में? मेरा और आदिल का प्रॉब्लम ही क्या है? आप अभी क्या अभी आदिल को कॉल करें? मैं करती हूँ आदिल को फोन और मैं पूछती हूँ कि मेरे और उसमें कभी जाति दुश्मनी हुई ही नहीं है, मैं क्यों करूंगी? मैं आदिल को भाई बोलती थी। आपने कहा कि एडवोकेट फाल्गुनी जी को ऊपर उन्होंने किया था, मतलब आप एडवोकेट के बारे में आप बोल रहे हैं? आपने बोला कि आदिल और मेरे बीच में कभी कुछ नहीं था, लेकिन आदिल का एक स्टेटमेंट जो है वो आया था, वो ये है कि मैंने जब राखी ने मुझे घर से बाहर निकाला था, तो मैंने राजश्री को फोन किया था। अच्छा। कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब मैं रितेश से, वो शादीशुदा है, ये बात के लिए कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तो राजश्री ने पीछे से राखी को फोन करके ये वाली बात बता दी, जिसके बाद राखी ने ये सारी चीजें की। ओके, तो मैं आदिल को ये बात पूछना चाहूंगी कि आदिल ये बात प्रूफ करके दिखा दे कि मैंने राखी को कॉल किया था और मेरे कॉल के बाद राखी ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है और फिर पुलिस को बुलाया है और फिर तुम्हें पकड़वाया है। सबसे पहले ये प्रूफ करके दिखा दो आदिल को। अभी मैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि मैं लगाने के लिए राखी के ऊपर भी एलिगेशन लगा सकती हूँ, तो वैसे मैं आदिल के ऊपर भी एलिगेशन लगा सकती हूँ, बट मुझे लगाने नहीं है। ये मेरे क्लास को, मेरे डिसेंसी को शोभा नहीं देते हैं। झूठ मुझे बोलना नहीं आता है। आप दोनों का रिश्ता आप दोनों से ही नहीं संभला गया तो मुझे क्यों मोहरा बना रहे हो? लगता राखी ने मुझे डे वन से मोहरा बनाया था। ये आज आप जो मुझे ये क्वेश्चन कर रहे साधमा, ये चीज़ें मैंने बाहर से भी सुनी है कि मैंने इन दोनों के बीच में बहुत झगड़े लगवाए हैं, बहुत झगड़े लगवाए हैं। राखी सरासर झूठ बोल रही है, राखी को प्रॉब्लम है, राखी बीमार है। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ जनता को, देश की जनता को, राखी बीमार है, राखी को प्रॉब्लम है। राखी विजुअलाइज करती है कि अभी मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं, अभी मैं किसका नाम डालूं, मैं किसका नाम डालूं, तो वो क्या करती है, स्टोरी बना लेती, जो वो चीज़ें खुद करती है, खुद को साइड रखती है, फिर वो सोचती है अभी मैं क्या करूं, किसको डालूं, तो उसको मैं दिखती हूँ, राजश्री सामने नजर आती है, फिर वो राजश्री को बीच में डालती है। राखी बीमार है, देश की जनता को भी ये बात पता है। तो राखी को है ना, गेट वेल सुन के मैसेज भेजिए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए।